गणगौर पूजा, कुंवारी लड़कियां अपना मनचाहा वर पाने के लिए तथा शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। अधिराज जल्दी दरबार हॉल के पार्किंग एरिया में आइए। करिश्मा तलवार, इन 11 सालों में बिल्कुल नहीं बदली हो तुम माया। वही कत्थई आंखें, वही सुर्ख होंठ। जब हमें पता है कि केटी मर चुकी है तो वो वापस कैसे आएगी? केटी, हेलो योर हाइनेस। योर हाइनेस, आप इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हैं? पता नहीं अदे और योर हाइनेस, आपके नए राजा और रानी अभी इस रास्ते से बाहर गए। आप साये की तरह उनकी सुरक्षा में उनके पीछे रहिए। जी योर हाइनेस। जल्दी जाइए। हेलो। किटी, तुम जिंदा हो। थैंक यू पापा, थैंक यू। अभी किटी जिंदा है। किटी, अगर आप जिंदा हैं तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में कौन था? हम सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए खुद को बार बार मारना पड़ता है ताकि दुश्मन रिलैक्स हो जाए और हम लोग अपना काम कर सके। पर आप हमें ये बताइए, अचानक आज ही क्यों आपने हमें बुलाया यहाँ? आप लोगों के ऊपर आज कोई खतरा मंडरा रहा है। यहाँ हवेली में? हाँ, पूजा के दौरान मुझे यही खबर मिली है। पर ऐसा कैसे और क्यों? अब ये सब मुन्ना मोटर वाले को कुछ नहीं पता है। बच्चों, संभाल कर चौकन्ने रहना और आंख कान खुले रखना। चल बच्चू। राजा साहब, रानी साहब और सनाया मैडम आपको ढूंढ रही है। आप रुक जाइए, हम आते हैं। जी अरे अगर बहुरानी नए जमाने की क्वीन हो तो सास की सांसें तो फूलेंगी। पर भाभी साहब, बीनड़ी बीच पूजा से छोड़कर गई गठे। मुंबई की मोहनिया है, उड़न छू तो रहती हुएंगी। समझाइए ना भाभी साहब को, छोटा पक्षी आसमान में उड़न छू रहता है ना तो बड़ा पंछी धर दबोचता है। अरविंद भाई साहब, आपकी बकने की आदत गई नहीं? ऐसा क्यों होता है आप जब भी हमारे यहाँ पधारते हैं कुछ ना कुछ अपशगुन होता है? अपशगुन? अपशगुन तो भाभी साहब इनके साथ हुआ है, वरना मारा भी राज राजा होते हैं। जाने दे, भाभी साहब को मत समझा। अब हम राजा नहीं है तो क्या हुआ? अब अलवर के राजा के प्रति वफादार तो हैं हम। अब मान लो आज के राजा अधिराज को कोई खतरा हो जाए तो हम ही उसको टालेंगे ना, चाचा और प्रजा होने के नाते उसकी सुरक्षा तो हम ही करेंगे ना। अरविंद भाई साहब, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आज फिर अधिराज के ऊपर कोई षड्यंत्र रचा गया? स्पष्ट बताइए, वरना बाद में आपके साठ गांठ से संबंधित कुछ भी पता चला तो बहुत बुरा होगा। ए सरोज, तू पक्की राजस्थानी है ना? चल अपना धर्म निभा और विसर्जन कर। चल Thank you.
क्रिकेट क्लब। हाँ जी, मैं नील बियानी की मॉम बोल रही हूँ, मिसेस माया बियानी। नील अभी तक घर नहीं पहुंचा, वो ट्रेनिंग कुछ एक्सटेंड हुई है समथिंग लाइक। वो नहीं, पर वो घर नहीं पहुंचा है तो मैं इसलिए। हेलो, कहाँ थे तुम? सॉरी मम्मा, निहार अंकल क्रिकेट ग्राउंड आ गए थे तो मैं उनके साथ था। जो भी हो, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, राइट? सॉरी मम्मा। अरे माया, बच्चे को क्यों डांट रही हो? वो मेरे साथ ही तो था। तुम अंदर जाओ। ओके मम्मा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जस्ट गो बैक, ओके? अरे मैं क्या कर रहा हूँ माया? मैं कुछ करने वाला होता कौन हूँ? ये सब तो डेस्टिनी करवा रहा है मुझसे। यू सी डेस्टिनी एंड इट्स प्लान्स। व्हाट इज विद दिस डेस्टिनी रबिश? हाँ, रबिश नहीं, सच है ये। माया सोचो, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि नील और मुझ में इतनी सारी सिमिलैरिटीज है। आई मीन टू बिगिन विद, नील को क्रिकेट का बहुत शौक है, बहुत पैशन है, और मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुका हूं। नील को विसलिंग करना बहुत पसंद है, और मुझे भी। अच्छा ये सब छोड़ो, आज ही मुझे पता चला कि नील और मुझे एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, मौका आमंड फज। डेस्टिनी। सॉरी माता, हमारी बस एक ही मनोकामना है, यादी की लंबी उम्र रहे और उन पे कभी वक्त का बुरा साया ना पड़े, बस इसी में हमारा सौभाग्य है। अब आप पूजा के सिंदूर से रानी साहिबा की मांग टीक दीजिए। अब भाभी साने तो सुहागण होते हुए भी सफेद चोला धारण कर लिया है, तो
सास होने के नाते मैं ही मांग ठीक कर देती हूँ। देवाधिदेव भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा से गणगौर का पूजन संपन्न हुआ। बोलिए गणगौर मैया की जय। माता गौरी की कृपा से आज सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। योर हाइनेस, हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, कुछ नहीं होगा। अखंड सौभाग्यवती हो। भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी की भांति आपका दाम्पत्य भी प्रेम पूर्ण और मधुर हो। रानी साहिबा, अब आप अपना उपवास तोड़ सकती हैं। हम आपका उपवास तोड़ने में मदद करते हैं। तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। आपने हमारे और श्रेया के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आज आप हमारे लिए भगवान स्वरूप आए और आदि की जान बचाई, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकते? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बेटा, तब आपकी आंखों में भाव पड़ सकते हैं। अधिराज सिंह राठौर हमारे राजा है, अलवर के भविष्य है और अलवर की प्रजा नागरिक के अलवर के वासी होने के नाते इनके प्राण बचाना हमारा धर्म है। और फिर ये हमारे इकलौते बेटे हैं, इन्हें पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी हमने, हम कैसे अपनी आंखों के सामने ही रहे। अधिराज, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। 14 वर्षों के पश्चात से ही किंतु
हम तुम्हारे किसी काम तो आए? राजा साहब, हमें ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, आप अंदर चलिए, आप आराम कीजिए। आइए। सनाया, भीम सिंह जी, यही है आपकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था? हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे बाल बाल बच गए। Cheers. माया, यहां आओ ना, वहां क्यों अकेली बैठी हो? तुम्हारा फेवरेट कॉकटेल बनाता हूं, बेरी ब्लश मार्टिनी, करेक्ट? माया आओ ना, देखो निहार भी इतने सालों बाद आया, तुम अगर नहीं आओगी तो बुरा मान जाएगा। आ जाओ आ जाओ। आई कांट बिलीव हम लोगों को मिले हुए 11 साल हो गए। आई नो यार। और तब तो नील भी नहीं था ना? हाँ, तब तो सिर्फ धरा थी, और वो भी 3-4 साल की होगी। राइट। तो मालूम है वो टाइम कैसे भूल सकता हूँ? उस टाइम पे मैं एकदम फुकरा था, बिल्कुल पैसे नहीं थे, जीरो सपाट। और लंदन में मैं क्या फंसा था, तुझे तो याद ही होगा। तूने ही तो भेजा था मुझे वहां पे उस ऑफिसर को ब्राइब करने के लिए। पता नहीं कहां से पुलिस वाले आ गए, लेकिन तूने मुझे बचाया था, थैंक यू। फिर मेरे कंपनी का लाइसेंस मुझसे छीन लिया गया और मुझे मेरे सारे के सारे शेयर तेरे नाम करने पड़े। आई रिमेम्बर यार, तेरे साथ काफी बुरा हुआ। नहीं, अच्छा हो सकता था, उन्हें होने नहीं दिया। तू मालूम है, तू अपने बलबूते पे मेरे लिए गारंटी ले सकता, लेकिन तूने ली नहीं ना। अरे यार, नहीं नहीं, क्लेरिफिकेशन क्यों दे रहा है? क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो मालूम है, अगर मेरी जिंदगी में तेरे जैसे अगर दोस्त नहीं होंगे तो मैं गिरूंगा कैसे? और अगर माया गिरता नहीं ना, ये जो लाठी मैंने पकड़ रखी थी पार्टनरशिप की, ये छूटती कैसे? अविनाश प्लीज, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे माया, इट्स ओके, लेट मी एंजॉय। दोस्त है ये मेरा, फ्रेंड है मेरा। अरे ये क्यों बुरा मानेगा अगर मैंने बुरा नहीं माना तो, जब इसने मुझे लंगड़ी लड़ाई थी। तो मालूम है यार, आज मैं 500 करोड़ का आदमी, तेरी औकात देख और मेरी औकात देख। तू देखो मालूम है, तू जी रहा और मैं जिंदगी पी रहा हूँ। चीयर्स। अरे कोई दिक्कत नहीं है माया, बहुत प्यारी सी बीवी है मेरी, माँ का साया है मेरे साथ में, बाप की दुआएं हैं, दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। You're nothing, you're nobody. Please, बहुत लेट हो गया, चलो ना आपको। अरे माया, दोस्त है मेरा, दोस्त। अगर मैंने इसको घर पे बुला के इसकी औकात बता दी तो ये क्यों बुरा मानेगा? तुझे बुरा लगा मैंने तेरी औकात बताई? नहीं ना। तूने एक बात पे गौर किया है अभी, कि तेरी ग्रोथ लाइफ में नील के आने के बाद ही हुई है। मुझे पता है। तो मालूम है, जब से नील आया ना, तब से मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। You know, he is lucky for me. हाँ, बट अब मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ कि तेरी ग्रोथ की वजह नील नहीं, माया है।
ये एक 11 साल पुराना सीक्रेट है, अ डार्क सीक्रेट यू सी, जो जब तुझे पता चल जाएगा ना तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आज तू जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से। अभी बहुत लेट हो गया, दिस इज इनफ। अरे माया, इट्स ओके, ड्रिंकिंग इज गुड, वन लास्ट ड्रिंक, वन लास्ट सीक्रेट। हाँ भाई अविनाश, प्लीज, तुम्हारी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है कल एंड हैंगओवर में इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया, सो प्लीज गुड नाइट बोलो और चलो यहाँ। ओके 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 भाई, माया ने कह दिया तो कह दिया, अवेश माय कमांड। और तेरा सीक्रेट कल। श्योर। ओके अरे तुम चिंता मत करो माया, दोस्त है मेरा, बुरा नहीं मानेगा।